हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं रामराज, स्वागत करता हूं आपके नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी, आप पार्ट ऑफ अन एकेडमी। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्पेशल सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम 5000 क्वेश्चन के लगभग 5000 क्वेश्चन ही पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें 5000 क्वेश्चन के ऊपर हमें ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 5000 क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिशियन के सभी लेसन के डिटेल के साथ में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप ध्यान से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए क्लास को, क्योंकि ये आज हमारी पहली क्लास है। और पहली क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, 5000 क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सभी के पास मेरी साउंड जा रही होगी, अगर आपके पास बिल्कुल साउंड क्लियर जा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप जल्दी से जल्दी मुझे थम्स अप कर दें, ताकि मुझे आगे क्लास लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करें, है ना। फॉलो करने से क्या होगा, फॉलो करने से जो भी मेरी लेटेस्ट क्लासेस जो भी हो रही हैं उसके जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं शुरुआत कर चुका हूँ 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। तो चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ कि भाई पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। दो सेकेंड, जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास। हाँ, पहले क्या है, आपको पहले नंबर पर ध्यान रखिए, अगर आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इस क्रम को अप्लाई कीजिए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी में जाइए या राजस्थान की कैटेगरी के अंदर, यानी यूपी की कैटेगरी में या राजस्थान की कैटेगरी, दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आप स्टेट के एग्जाम्स में जाइए। फिर यहाँ पर जाकर रामवीर सिंह को सर्च कीजिए, रामवीर सिंह को जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर जो दिख रहा है ना फॉलो को आपको क्लिक करना है, तब ये वाइट कलर का हो जाएगा ना, तो ये पहले ब्लू होगा फिर वाइट हो जाएगा। ठीक, पहले ब्लू कलर का रहेगा, फिर आप जैसे फॉलो करोगे तो वाइट कलर का। बाकी आपको कोड मैंने आपको बता ही दिया, राम सर 10, अगर आप ये कोड लगाओगे तो 10% का तुरंत ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी जानकारी है। राजस्थान विद्युत विभाग के बारे में आपको बताता ही रहता हूँ हमेशा, राजस्थान विद्युत विभाग की वैकेंसी आ चुकी है, तो उस वैकेंसी की आप तैयारी करें, है ना। और पहले क्वेश्चन से हम लोग आप शुरुआत कर रहे हैं क्लास की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करूँगा आपका, एक एक चीज़ को क्लियर कराऊँगा। आज हमारा पहला चैप्टर्स के पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग पहला जो कह सकते हैं पहली क्लास है, और यहाँ पर हम सबसे बेसिक जो जानकारी होती है हमारी जो आईटीआई के अंदर होता है, और यहाँ एग्जाम्स के अंदर, डीआरडीयू के अंदर, डीएमआरसी के अंदर, रेलवे के अंदर, सभी के अंदर ये सुरक्षा सावधानी से प्रश्न एक तो प्रश्न निश्चित है वो आएगा, जिससे बिजली विभाग में भी इसका प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए पहले प्रश्न का जवाब, पहले प्रश्न से आप अपने जवाब शुरुआत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दीजिए। आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि, हाँ भाई साहब, आग लगी, आग खतरनाक वाली होगी इसमें करंट में, है ना। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इसी से, है ना, और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा जवाब। सर ग्रुप डी, सर गुरु रिमेम्बर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर रहे क्लास को, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है भैया, मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो, सचिन गौतम, बिल्कुल आपकी रिकॉर्डेड नहीं है भैया, लाइव क्लास है, ये मत बोला अगर रिकॉर्डेड क्लास है। अरे यार क्यों यार, क्यों मैंने अभी तक रिकॉर्डेड क्लास नहीं लिया यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा मत बोला करो, है ना, रिकॉर्डेड क्लास कभी नहीं हो रही है ना, आपका जो लाइव दिख रहा है वो लाइव ही है। अब कौन कौन जुड़े हुए हैं, अब लाइव का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल लाइव का ऑप्शन भी आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सामने है, इसको जल्दी से जल्दी जवाब देना है, आपके लिए रुकने वाले में से नहीं है हम लोग। विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। सेकंड, पेन कहाँ गया, दो सेकंड में थोड़ा कुछ चीज़ मैं थोड़ा, अरे यार दो सेकंड, बताओ भाई बताओ, पेन नहीं, मैं चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, विद्युत धारा से लगी आग में कभी भी पानी का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है,
ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तारों में खराबी होती कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत अपघटन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना, उपयुक्त सभी हो रहा है, ये तो भाई बात गलत है। तारों में खराबी से ये थी पहली बात, तो आपको ये ऑप्शन देख करके पहले नंबर पे अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि भाई ये तो सारे ऑल ऑफ देम तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये तो आपका ऑप्शन पहले गलत है। विद्युत अपघटन कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करते तब अपघटन क्लियर होती है, तो ये वाला भी आपको क्लियर हो गया, यानी ये तो हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोफ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन कह दो या फ्यूजन कह दो, इलेक्ट्रोक्यूशन ज़्यादा सही रहेगा। इसमें क्या रहता है कि आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा में जैसे ही पानी को इसके ऊपर डाला जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक क्या होता है, इसका विद्युत का चालक होता है पहली बात, और पानी का जब चालक होता है तो चालक होने के कारण जो भी व्यक्ति इसको डालेगा या जो भी व्यक्ति इसको यूज़ करेगा ना, उसको क्या है तुरंत झटका लगने की संभावना बनी रहेगी। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक है, जो ईंधन जो आग रहती है मतलब ईंधन जो भी फ्यूल वगैरह होते हैं उनके लिए उसमें जो प्रयुक्त जो अग्निशामक है वो कौन सा है, सोडा अम्ल है, जल है, रेत है, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला गया, ईंधन आग के सिलसिले में ईंधन के कारण जो हमारे आग लग जाती है उसके सिलसिले में कौन सा आपका अग्निशामक जो है वो अग्निशामक का प्रकार है, या कह सकते हो उपयुक्त उपयोग में लाया जा सकता है। सोडा अम्ल प्रयोग में लाया जा सकता है, रेत प्रयोग में लाया जा सकता है, जल प्रयोग में लाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से रखो, ईंधन कोई सा भी हो सकता है, फ्यूल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना, ठोस भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये ठोस ईंधन बोलता, ठोस चीज़ की किसी की बात करता, गत्ता बोलता, झूठ बोलता, तो बात दूसरी थी, पानी पर हम जा सकते थे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ऐसा कोई मतलब फ्यूल में आग आ जाए, मतलब ईंधन में कभी भी आग आ जाए, तो ईंधन के लिए आपको हमेशा और हमेशा सोडा अम्ल अग्निशामक का प्रयोग करना है, क्योंकि इस यंत्र के अंदर एथेन होती है। क्या होती है, एथेन, और एथेन हमेशा और हमेशा क्या करती है, आग बुझाने में सहायक रहती है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडा अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो आपका आंसर सीट बैठ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हाँ, एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है, एक नियंत्रण जो होता है ना, मतलब कंट्रोलिंग जो होती है ना, वो मूलभूत रूप से होता है संवेदक होना चाहिए, सेंसर है ना, तुलनित्र होना चाहिए, हाँ तुलनित्र होना चाहिए। तुलनित्र का मतलब आपका इस तरीके से, जैसे मान लो कि मतलब किसी की तुलना के अकॉर्डिंग किसी चीज़ पर अपन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल, मतलब इस डिवाइस के अकॉर्डिंग इस पर क्या है सेम वो है, तो ऐसा होना चाहिए। दूसरे तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तीसरे नंबर पर जो है वो आपका एक नियंत्रण जो है वो एम्पलीफायर प्रवर्धक होना चाहिए, बढ़ाने वाला होना चाहिए, या क्लिपर होना चाहिए, क्लिपर है ना, क्लिपर यानी कि क्लिपर यानी कि आपको ऐसा समझो मतलब तुरंत ही उसे कैचअप करने वाला, किसी उसे रोकने वाला, या तो कह सकते हैं आपका उसके ऊपर प्रभावी रूप से, मतलब आप किसी और के ऊपर डिपेंड है तब जा करके वो क्या हो रही है, कंट्रोलिंग की जा रही है, ठीक है। तो क्या ऐसा होना चाहिए, तो देखो ध्यान रखना, क्लिपर में क्या होता है, जैसे आप किसी ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, देन ठीक है। अच्छा, प्रवर्धक बढ़ाने वाला, यानी यहाँ तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमारे को कंट्रोल करना है ना कि उसे किसी चीज़ को बढ़ाना है, तो बढ़ा सेंस संवेदनशील से मतलब आपका मतलब आप कह सकते हो कि भाई आप किसी चीज़ को, कोई डिवाइस है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, नियंत्रित कर रहे हो ना, और उसमें सेंसर के थ्रू, या कह सेंसर तो नहीं कहेंगे लेकिन उसमें संवेदना, मतलब आप अपने सोच विचार के ऊपर उसको क्या कर रहे हो कि उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, है ना, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो कंट्रोलिंग के मूलभूत नियंत्रण क्या होता है, तो हमेशा और हमेशा तुलनित्र प्रकार का होना चाहिए। तुलनित्र यानी कि जितना अगर मान लो हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उतना ही वो रुकना चाहिए, या फिर जितना हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं उतनी ही उसकी गति बढ़नी चाहिए, इसे बोलते हैं नियंत्रण, है ना, तुलनित। अब देखो, अब मैंने आपको एक और चीज़ ध्यान रखो, आपने एक चीज़ पढ़ी हो तुल्यकालिक जनित्र, है ना, ये जिसे हम अल्टरनेटर कहते हैं, तुल्यकालिक मोटर,
ठीक है, नाम सुने हैं आपने ये सारे सारे। तो जैसे अपन क्या नाम है आपके, सिक्रोनस मोटर कहते हैं। अब सिक्रोनस मोटर में जितने जितना उसका आरपीएम रहता है, जितना तेज स्पीड से उसका घूर्णित मान का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, उतना ही तेज स्पीड से रोटर भी घूमता है। यानी कि तुलनात्मक रूप से दोनों के, मतलब जितना एन एस घूमेगा उतना ही एन आर घूमेगा, यानी जितना सिक्रोनस स्पीड रहेगी उतनी ही रोटर स्पीड रहेगी, यानी दोनों बराबर रहेगी तुलनात्मक रूप से। तो नियंत्रण कैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ ही चीज पर नियंत्रण किया है तो बिना किसी कमी के, बिना किसी घटक के आए उस दोनों के बीच में, मतलब कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कमी ना, जैसे सिंक्रोनस मोटर में स्लिप वगैरह नहीं होती, शून्य होती है ना, बाकी और मोटरों में स्लिप होती है इसलिए वो तुल्यकालिक नहीं है। तो हमेशा हमेशा नियंत्रण कैसा होना चाहिए, कंपेटिटर होना चाहिए ना, कंपेटर है ना, तुलित प्रकार का रहना चाहिए ना। अगला प्रश्न, एचआरसी फ्यूज को सर्वश्रेष्ठ संरक्षण संरक्षण प्रदान किया जाता है, एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, एचआरसी फ्यूज का नाम आया है तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर कि एचआरसी फ्यूज जो होते हैं ना उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है ना, उनका जीवन काल बहुत ज्यादा होती है ना। दूसरी बात, वो जितना जितनी धारा वो वहन कर सकते हैं उससे अधिक मान की धारा को भी अपने अंदर से कुछ समय के लिए प्रवाहित कर सकते हैं, बाकी आपकी मशीन का नुकसान नहीं होने देंगे। ये भी बात इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या है एचआरसी फ्यूज, है ना, क्या है एचआरसी फ्यूज का मुख्य सिद्धांत या मुख्य कार्य, बताइए आंसर किस किस का आएगा सब। अब देखो यहां पर सीधा सीधा है, ओपन परिपथ के अंदर क्या एचआर कोई भी फ्यूज काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्या ओवरलोड पर कोई फ्यूज काम कर सकता है क्या, ओवरलोड पे आपको ओएलसी कॉइल लगानी पड़ेगी पहली बात, और दूसरी बात ओवरलोड होने पर धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तभी फ्यूज क्या होगा, क्या नाम है आपका, मतलब आपका ट्रिप होगा, मतलब जलेगा, फ्यूजन की प्रक्रिया होगी उसमें ना। और अंडर डैम्पिंग मतलब, यानी कि अंडर डैम्पिंग का यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग मतलब होता है किसी प्रकार का अवमंदन होना, वो चीज़ होती है। तो अंडर डैम्पिंग ऐसा कुछ उसका वो नहीं है कि भाई कोई मशीन डैम्पिंग कर रही है तब जाकर फ्यूज उसका वो करेगा। तो कुल मिलाकर के आपके देखो ओपन में हो नहीं सकता, देखो चार तीन तो ऑप्शन गलत होंगे ही सही, वो क्यों होंगे उसके बारे में अपन तो ध्यान इसको समझना पड़ेगा ना पूरा पूरा। हाँ तो मैं आपसे क्या बोल रहा था भाई, क्या बोल रहा था मैं आपसे भाई, क्या है खुले परिपथ में होता नहीं है। तो हमेशा और हमेशा आप किसी भी फ्यूज के बारे में बात करोगे तो शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब भी हमारा किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट से विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने का काम फ्यूज का है। ठीक है, पहला काम है सुरक्षा, मतलब शॉर्ट सर्किट से सर्किट को सुरक्षा प्रदान करना फ्यूज का पहला कार्य सिद्धांत है ना। और फ्यूज का जो गलनांक होता है, ध्यान रखिएगा फ्यूज का जो गलनांक होता है वो हमेशा निम्न कैटेगरी का होता है, मतलब लो कैटेगरी का होता है, और उसका जो आपका प्रतिरोध रहता है वो हमेशा हाई कैटेगरी का रहता है, उच्च कैटेगरी का रहता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको अभी बताई है। लगा अगला प्रश्न है मैं देखिए आपके यहाँ पर आपको आपका बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं क्लियर सुनता चला जा रहा हूँ, और यहाँ पर अब बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है और भूचाल मचेगा इससे शानदार वाला, मजा आएगा आपको भी, बोलोगे बोला हाँ यार कुछ पढ़ा है हमने। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग तक की धारा का मूल्यांकन में होता है। भाई आपके घरों में भी फ्यूज लगा रहेगा, ठीक है, आपके घरों में भी फ्यूज लगा, वो अब देखो फ्यूज का जो रेटिंग होता है वो हमेशा हमेशा आप याद रखना, फ्यूज की रेटिंग हमेशा एम्पियर में दी जाती है, फ्यूज की रेटिंग हमेशा किस में दी जाती है आपकी, एम्पियर में दी जाती है। अब यहाँ पर फ्यूज को कितने लेवल तक हम यूज में ले सकते हैं, छोटा सा प्रश्न है बहुत। देखो 15 एम्पियर तक का हम फ्यूज क्या होते हैं घरों में उपयोग में ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। कारण क्योंकि क्या होता है हमारे घरों में, अगर मान लीजिए हम हीटर चला रहे हैं, गीजर चला रहे हैं, और भी कोई ऐसा उपकरण चला रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई कैपेबिलिटी का है, तो वहाँ पर धारा का मान बढ़ता है। उस कंडीशन में हमें क्या ना थोड़ा सा उसको, वैसे तो एमसीबी वगैरह और भी कई युक्तियाँ होती हैं जिनके थ्रू भी संरक्षण किया जाता है, लेकिन आपको 15 एम्पियर तक मान लीजिए ना, 5 एम्पियर की हमारे यहाँ नॉर्मल वे में धारा रहती है ना। अब आगे पॉइंट पर ध्यान देखिए,
का फ्यूज संरक्षण का उपयोग, भाई आप कितने भी लेवल तक आप ले जाइए आप फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर भाई यहाँ पर आपका अधिकतम आंसर क्या आ रहा है? वैसे आपका अधिकतम आंसर जो आ रहा है वो 100 एम्पियर आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सब में तो होता है, इसमें भी। अब बोला सर तो फिर एक और बताओ सर, इसका एग्जांपल बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी ट्रांसफार्मर वगैरह रहते ट्रांसफार्मर वगैरह रहते हैं उन सब में भी क्या होता है, फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा चकरा रहा हो, बोला यार क्या ट्रांसफार्मर में? हाँ ट्रांसफार्मर, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो फ्यूज़ वायर बने रहेगा वो आपका चांदी का बना रहेगा। किसका बना रहेगा? चांदी का। बोला सर चांदी तो बहुत ग्रेट कंडक्टर है। अरे भाई देवता मेरे, वहाँ पर अपने को बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास वहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी ज़रूरी है, लेकिन हम उसकी थिकनेस को कम कर देते हैं। चांदी के वायर जो हम यूज़ में लेते हैं उसकी थिकनेस बहुत कम कर देते। थिकनेस कम करने से क्या होता है? आर का मान बढ़ जाता है, बात खत्म। हमें तो आर का मान बढ़ाना है, तो लोड ज़्यादा होता है, तो इसलिए चांदी का हमने तार यूज़ में लिया। क्लियर है? तो ये छोटी सी क्वेश्चन था। अब आपके सामने एक प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न आया हुआ है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को, बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। एक आपके पास चित्र चित्र में दिखाई देने वाला, ये आपके पास कुछ दिखाई दे रहा है, अब सोचो थोड़ा सा दिमाग में, हल्का सा दिमाग लाओ। चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला औजार कौन सा है? ये औजार जो है आपको दिख रहा है ये क्या होता है, इसे आप क्या बोलते हो? इसमें देखो मैं आपको बताऊँ, अलग अलग पे क्या होता है, छेद होते हैं। यहाँ छेद इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर ये छेद वगैरह दिए हुए रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को क्रेप करने वाला, क्रैपिंग टूल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रैपिंग टूल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखिएगा इस क्लास का हम क्रम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, हम इसको संडे सैटरडे में भी लेंगे। अब संडे सैटरडे का अब से ऑफ होना मुश्किल है, मुश्किल है ना। और इसमें क्वेश्चनों की संख्या आप धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, और स्पीड में इसमें टाइमर भी लाया जाएगा, और आपको 15 सेकेंड का ही समय दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकरण किया गया जाता है? बोलो हथौड़ा जो होता है ना आप जो यूज़ में लेते हैं उसका वर्गीकरण किसके अनुसार किया जाता है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। कौन कौन से बच्चे जवाब दे रहे हैं जरा से इसके बारे में देख लेते हैं। मनीष सैनी जवाब दे रहे हैं, ओम प्रकाश जवाब दे रहे हैं, हर्ष जवाब दे रहे हैं। भैया अगले महीने हमारे पेपर वगैरह भी कुछ ना कुछ होंगे इसे ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग है ना क्या नाम है अपने पेपर्स वगैरह की तैयारी। और एक और बात मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट ITS वगैरह में थोड़ा सा डेट बढ़ा दी गई है, तो अपने छोटे भाई बहनों से अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो वहाँ पर भी आप इसको एडमिशन के लिए बोल सकते हो, ठीक है? किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है? और पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा 5 बजे। आप अगर आप आते हैं वाईफाई स्टडी इंजीनियरिंग एग्जाम पर, तो ITI का 0 लेवल से फाइनल मतलब हायर लेवल तक कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। तो किसी भी ITI के बच्चे को किसी भी प्रकार से कहीं से भी अन्यत्र कहीं से कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्टिकुलर जो बुक आपके मार्केट में जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप परचेज कर लीजिए, और इसके अनुसार कॉम्पिटिशन की जो बुक ले रहा है, कॉम्पिटिशन तैयारी ITI की तैयारी के साथ में ही चालू कर दीजिए। बाकी से छोटे भाई बहनों से बोल दीजिएगा ये वाली बात, ठीक है? किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है? केवल भार के अनुसार, भार के अनुसार तो कराया जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं, हील का आकार और हैंडल की लंबाई के अनुसार, हील का आकार केवल भार और हटते हैंडल की लंबाई, केवल हैंडल की लंबाई हो और भार हो, ऐसा हो सकता है? केवल ढांचा और उसके भार। तो देखो क्या होता है, जो आपका जैसे हथौड़ा है ना, जैसे बॉल पिन हैमर है ना, क्रॉस पिन हैमर है। तो क्रॉस पिन हैमर क्रॉस होती पिन खट से जाकर के अपना उसमें लगाया, किसके अंदर? अपनी कील वगैरह के अंदर, कील को निकाल दिया, है ना। बॉल पिन हैमर है ना, फ्लैट है, मैलेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है, उसका आकार होता है, किसका? आपका हथौड़े का आकार होता है। तो हथौड़े के ढांचा यानी उसका आकार, ढांचे का आकार और उसका भार, कितना वजन है, 100 ग्राम का है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, 5 किलो, घन है ना, 5 किलो का घन होता है ना, आप इसको ध्यान रखना। घन मतलब समझते हो, पत्थर वगैरह कूटने का काम आता है। और एक 100 ग्राम का भी होता है, जिससे जो आपका सर्जिकल होता है वो, है ना, सर्जिकल हैमर होता है, उससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की जांच करता है डॉक्टर, खट 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 कर पीछे की साइड, मतलब उसमें हथेली वगैरह में रगड़ के टुकने वगैरह में लगा करके। तो ये सब चीज़ें ना, बहुत छोटा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर दिया। कीवे काटने के लिए, कीवे जानते हो, मतलब कीवे का मतलब होता है किसी भी जगह आपके घर में दरवाजा वगैरह होगा, आपने देखा होगा वहाँ ना, तो उसमें एक इस तरीके का ग्रुप कटा होगा बीच के बिंदु, मतलब एक खांचा कटा होगा, मतलब खांचे को कहा जाता है कीवे, उस खांचे को कहा जाता है कीवे, है ना। मतलब कहीं पर भी, मतलब आप देखोगे, मतलब आपको कहीं पर अंदर की तरफ
खाली जगह हो, बाकी उभरा हुआ भाग हो, खांचा कटा हो, तो उसे बोलते हैं कीवे। तो कीवे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है रेलवे के अंदर, कई बार आ चुका है। मैं तो ये रेलवे का क्वेश्चन मानता हूँ मैं तो, है ना। बाकी क्या नाम है आपका, आ रहा है तो अच्छी बात है, ये UPPCL में भी आ रहा है तो अच्छी बात है ना। UPPCL के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। तो बताइए कीवे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाएगा? गोल नोच चीलर, चीजल। गोल नोच यानी आगे की साइड से उसमें चंद्राकार, है ना, राउंड राउंड शेप हो ना। अब पूरा राउंड नहीं होगा, केवल अर्ध चंद्राकार होगा, ठीक है। डायमंड चीजल, डायमंड क्या होता है, मैं तीखी जगहों में, कोनों में, है ना, कोनों की चिपिंग करनी है। फ्लैट चीजल, समतल सतह से चीजों को क्या करना, हटाने में। कैप चीजल, कैप चीजल को आप नहीं जानते होंगे इतना, है ना। कैप चीजल जनरली इसका यहाँ पर थोड़ा सा नाम बदल दिया है, काउ क्राउन चीजल भी बोलते हैं इसे ना, गौमुख चीजल भी कह सकते हैं, कैप चीजल भी कह दो, बात एक ही है। तो आप यहाँ पर कैप चीजल लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। बाकी आप इन तीन छेनी पे नहीं जा सकते, क्यों? डायमंड तो बिल्कुल मतलब 90 डिग्री का जहाँ एंगल बन रहा हो, वी शेप जहाँ बन रहा हो, वहाँ पर आपका क्या कर देगा, वो काट देगा ना। गोल चीजल जो होती है वो गोल सतहों में काटता है। लेकिन कीवे, कीवे कैसा होता है, देखो अभी आपको कीवे के बारे में नहीं मालूम होगा, मैं आपका कीवे यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, देखना, कोशिश करता हूँ बन जाए, ठीक है। ये मैंने आपका कोशिश की है देखो बनाने की, ना ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखना, ये यहाँ, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर की तरफ घुस गया है ना, जो सिरा अंदर की तरफ घुस चुका है। अब ये कीवे है, इसके अंदर अगर आप मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर कुछ पार्ट डालता हूँ ना, तो दे दो सेकेंड, कलर दूसरा लेना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर कोई पार्ट भी डालता हूँ ना, तो वो पार्ट ऐसे करके इसके अंदर धस जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका कीवे, ये आपका कीवे है, समझ रहे, ये आपका कीवे है। मतलब इस ये क्या करेगा, स्लॉट करेगा, ये आगे भी चला आएगा और ये पीछे भी चला जाएगा, ये कीवे। तो आपका आंसर कैप चीजल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे। पाइप के अंदर की चूड़ी, अंदर की चूड़ी, बाहर की चूड़ी, दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, आंतरिक चूड़ियाँ और बाहर चूड़ियाँ। अगर आपके पास कोई पाइप है, पाइप के अंदर की चूड़ी अगर आप काटना चाह रहे हैं, कहाँ की चूड़ी काटना चाह रहे हैं, अंदर की इंटरनल थ्रेड काटना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्सटर्नल थ्रेड काटना चाह रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन अलग अलग चले जाते हैं, टेप एंड डाई पर जाते हैं, बस इतना सा बात है, टेप पर जाते हैं और डाई पर जाते हैं। अब देखो टेप कैसा होता है, टेप मेल और फीमेल से समझो आप, है ना, टेप और डाई, डाई है ना, डाई मेल होगी फीमेल होगी, छोटा सा प्रश्न है ना, डाई मेल होगी कि फीमेल होगी। डाई नाम से जो वर्ड निकल के आ रहा है उसके माइंड से सोचो जाए डाई कैसी होगी। तो डाई का अगर शेप आप देखोगे तो ये इस टाइप का, मैं बताता हूँ, डाई जो रहती है ना वो इस टाइप की रहती है ना, दो सेकेंड, ये डाई है ना, ये क्या डाई होती है। तो पाइप, पाइप के ऊपर की साइड ये क्या कर देती है, चूड़ियां काट देती है। तो डाई देखो मेल फीमेल केबल वगैरह आती है ना उस टाइप से आप लो, है ना। तो देखो ये जो है ये आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर चूड़ी, बहुत सारी चूड़ियाँ कटी रहती है, तो कोई चीज़ इसके अंदर जाती है, तो ये फीमेल है, फीमेल है यानी ये ऊपरी चूड़ियाँ काटती है। कैसे चूड़ियाँ काटती है, ऊपर की चूड़ियाँ। टेप क्या होता है भाई, टेप ऐसा होता है, देखो टेप आपका मैं बना नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा टाइम हल्का सा लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछी रहेंगी, है ना, ठीक है, ये आपका टेप बन गया, है ना। ये आपका टेप है, तो ये जो पाइप होता है ना, पाइप, पाइप होता है ना, पाइप, पाइप की आंतरिक चूड़ियां काटने का काम करता है कौन, टेप। अब टेप को आप क्या करो कि इस किसी में किसी किसी और उपकरण के अंदर फंसा लो, उसको एक बार क्लॉक वाइज और एक बार एंटी क्लॉक वाइज इस तरीके से क्या करो, घुमाओगे तो आपका मूवमेंट बनता रहेगा। तो टेप जो होता है ना वो आंतरिक चूड़ियाँ, पाइप की आंतरिक, ये पाइप है ना, पाइप की आंतरिक। डाई क्या करता है, ऊपरी चूड़ियाँ काटता है, क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो थम्सअप कर दें एक बार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस में का थर्मोस्टेट निम्नलिखित का बना रहता है? ऑटोमेटिक, आप जानते हो ना आजकल ऑटोमेटिक ही यूज में आ रही है घरों में, तो ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है? किसके अनुसार? तापमान के अनुसार, वोल्टेज के अनुसार, धारा के अनुसार, वोल्टेज के अनुसार? अरे भाई साहब, वोल्टेज, वाटेज के अनुसार, वाटेज बोला, नॉट वोल्टेज, वाटेज के अनुसार। हाँ तो बताइए, ऑटोमेटिक जो आपका बिजली की प्रेस है वो थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट देखो, कभी भी दुनिया में आपको थर्मोस्टेट का कभी भी प्रश्न मिले तो नियंत्रण किसका? ताप का। बात इतनी ध्यान रखना। अब दो ही बातें मैंने आपको बताई, नियंत्रण किसका? ताप का, थर्मोस्टेट है ना, तापमान का नियंत्रण करना यानी स्थिरता बनाए रखना। अगर आपने किसी पॉइंट पर तापमान को नियंत्रित कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहते हैं, तो आपका थर्मोस्टेट वाल्व काम में लाया जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर तापमान जाना चाहिए, सीधे सीधे प्रश्नों में, सीधे सीधे आपका प्रश्न का क्या आ जाएगा जवाब? तापमान आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए आप मेरी बात को? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सुपर एनेमल, एनेमल अलग होता है, सुपर एनेमल उससे भी ऊपर होता है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, कॉपर का वायर है, उसके ऊपर आपने नॉर्मल इंसुलेशन कर रखा, फिर उसने उसके ऊपर आपने इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन कर रखा है, यानी कि आपने उसका अलग बोर्डा लगा रखा है, पीवीसी लगा रखा है ना। तो सुपर एनेमल तारों का गेज है ना, गेज द्वारा नापा जाता है। किस चीज़ से गेज नापा जाता है? तो दुनिया में जितने भी बिल, जितने भी आपका वायर हैं, उन सब का गेज सिर्फ एक ही गेज से नापा जाता है, और सभी को मालूम है इस प्रश्न का आंसर। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये प्रश्न का जवाब नहीं मालूम। यानी दुनिया में जितने भी वायर हैं उनका गेज सिर्फ एक ही गेज नापता है, उसका नाम क्या है? SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज है ना। स्टैंडर्ड वायर गेज ही क्यों बोला मैंने, वायर गेज क्यों नहीं बोला? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हम विशेष तौर पर स्टैंडर्ड वायर गेज का ही इस्तेमाल करते हैं और किसी का यूज़ नहीं करते। अब यहाँ ऑप्शन में देखो क्या है, स्क्रू गेज, वायर गेज, वायर गेज यानी तार गेज, बात एक ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अब वायर गेज वो होता है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है 0 से 36, कितना होता है भाई? 0 तो मिनिमम रहेगा और 36 मैक्सिमम रहेगा। तो 0 से 36, 0 कैसा रहता है? 0 हमेशा बड़ा रहता है, कैसा रहता है? हमेशा बड़ा है ना। और 36 नंबर कैसा रहता है? हमेशा छोटा रहता है ना, छोटा। आज मेरा पेन गायब हो गया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेना आप, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 0 से 36 आपका रहता है। किसी दिन मौका लगा तो इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। वैसे शाम को जो बैच चल रहा है ना, उसके अंदर मैं डिटेल ही पढ़ा रहा हूँ, आपकी बेफिक्र रहिए ना उससे। तारों के रोधन यानी इंसुलेशन को उसको सामान्यतः के द्वारा हटाया जाता है, मतलब आपको ऊपर का क्या कर रहा है, पीवीसी हटाना है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ना, उसका जो ऊपर की तरफ जो प्लास्टिक जो लगा रहता है, अपन प्लास्टिक बोलते थे जनरली, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए, इंसुलेशन को हटाने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉपर के वायर भी होते हैं, तो खुर्चा जाता है थोड़ा सा, है ना। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? छोटा सा प्रश्न है, तांबे के इंसुलेशन को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। इसको सीधा सीधा देखो, सपाट फाइल कभी भी नहीं आएगा ऑप्शन में, क्योंकि फाइल का उपयोग यहाँ पर है ही नहीं कोई ना, फाइल का उपयोग यहाँ पर नहीं है, सपाट फाइल किसी प्रकार से नहीं आएगा, पाइप रिंच नहीं आएगा, स्क्रैपर नहीं आएगा। स्क्रैपर क्या होता है? ऊपरी सतह से कोई चीज़ को क्या करना, खुरचने का काम करना, है ना। तो आपका आंसर क्या है? वायर गेज ऑप्शन आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो, लेकिन अभी टफ आने वाले हैं। आज तो तुम्हें चस्का लगा रहा हूँ धीरे धीरे, पॉइंट टू पॉइंट। कल तो भाई सब कल कल और टफ आएंगे और ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखना। आज थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ, बाहर से आया हूँ, बहुत सफ़र करके आया हूँ, सफ़र मतलब बहुत दुराई से आया हूँ ना, तो इसलिए खुश थोड़ा सा क्वेश्चन कम लिए हैं मैंने आज, है ना। कम क्या, आप वैसे तो मैंने कम नहीं लिए, इतना हो जाएगा काम अपना। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दुनिया में ये प्रश्न आ जाए ना आपके सामने, तो सिर्फ और 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 क्या होगा जवाब आपको देना है, किसका यूज़ किया जाता है? आप मैलेट नाम की चीज़ को जानते हो नहीं जानते हो? पहले पहले नंबर पर आप बताओ, मैलेट नाम आपने सुना है नहीं सुना है? क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा होता है। क्या होता है भाई? लकड़ी का, लकड़ी के अलावा और किसी चीज़ का अगर आप यूज़ करोगे ना, तो वो कहीं से अगर ऊपर नीचे हुआ ना थोड़ा बहुत भी, तो वहीं पर वो कर देगा, उसके अंदर छेद गड्ढा वगैरह कर देगा, तो समतल नहीं होगा। तो क्या होगा? लकड़ी के हथौड़े का यूज़ किया जाता है, मैलेट कहा जाता है। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, पुराने ज़माने में ये लकड़ी का हुआ करता था, आजकल तो कठोर रबड़ का आता है, यानी प्लास्टिक का आता है, अलग ही तरीके से दिखाई देता है ना, तो कठोर रबड़ का होता है, आप घबराना मत, मैलेट के नाम से है ना। तो ए ऑप्शन है, आजकल ये प्लास्टिक का आने लगा, कठोर रबड़ का आने लगा है ना, पहले ये किसका आता था?
लकड़ी का आता था, ठीक है। चलिए प्रश्न है अगला आपके सामने, विद्युत लेप के लेपन में के लिए बीटा बे क्या बोला, के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीक का प्रयोग किया जाता है सिर्फ और क्या बोला गया, ये एक नाम है बीटा बैक स्केटर टेक्निक, बीटा बैक स्केटर टेक्निक छोटा सा है ना, तो आप हमेशा ये हमेशा ध्यान रखना के नहीं के लेपन के लिए क्या बोला, के लेपन के लिए बीटा स्केल नहीं क्या बोला गया, बीटा स्केल स्केटर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या होता है जितनी मापक औजार होते हैं ना जो मोटाई का मापन करते हैं, किसका मापन करते हैं मोटाई का, तो जब भी हम उसके ऊपर क्या करते हैं किसी चीज़ की परत चढ़ाते हैं, मोटाई के मापन करने वाले औजारों के ऊपर जब भी हम परत चढ़ाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसके ऊपर की साइड जो कोटिंग चल रही है वो उसकी माप में किसी प्रकार का अंतर उत्पन्न ना करें, तो उसके लिए हम बीटा स्केल टेक्निक का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म मापियों के अंदर इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, बाकी सूक्ष्म मापियों में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, एक्यूरेसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उसमें पॉइंट बनाया जाता है जिससे उसकी एक्यूरेसी को भी ठीक किया, हर हर मापी के अंदर है ना, चाहे आपका वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे वो वायर गेज हो, चाहे आपका प्लग गेज हो, कोई भी हो, मतलब उसमें सब पे ना तो मोटाई का मापन वाले। और हाँ बेंच वाइज को जानते हो आप लोग भाई साहब, जब आप है ना टेक्निकल का वर्क करोगे ना गवर्नमेंट फील्ड में आकर के, तो भाई साहब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती ना औजार, ये औजार ही तुम्हारे क्या नाम है मेन मतलब साथी हैं, इन औजारों के बिना मैं मतलब आप किसी मशीन को अगर आप देख रहे हो तो आप है ना बोलो यार मैं इसको ठीक तो कर सकता हूँ, बोला हाँ यार ठीक तो मैं भी कर सकता हूँ यार, लेकिन तो बोला क्यों नहीं कर रहे हो, बोले यार औजार ही नहीं है, तो बिना औजारों के आप लोग क्या हो अधूरे हो, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर पूछा गया बेंच वाइज, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, कहाँ यूज़ में आता है क्या काम करता है ये, तो ध्यान रखना बेंच वाइज जो होता है ना वो बेंच के ऊपर कसा जाता है, किसके ऊपर कसा जाता है बेंच के ऊपर, और ये पाइप वगैरह को बेलनाकार वस्तुओं को का कस के पकड़ने का काम करता है, छोड़ने क्योंकि बेलनाकार चीज़ को अगर आप हथेली से पकड़ोगे ना अपने हाथ से पकड़ोगे तो फिसल जाएगा, उतना बल नहीं लगेगा, आप में क्षमताएँ क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी, एक तरफ आप 10 आदमी लगा दो, एक तरफ आप एक बेंच वाइज लगा दो, बात बराबर है, तो आपका जो जो ह्यूमन फोर्स है वो क्या हो गया कम हो गया, तो बेंच वाइज का उपयोग किया जाता है। बेंच वाइज का उपयोग किस लिए किया जाता है, अच्छा बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है, तो आकार, अब आकार किससे नापा जाएगा, तो जितना अधिक वो चीज़ों को क्या कर सकता है, जितनी मोटी चीज़ों को क्या कर सकता है पकड़ सकता है, तो उसी से आप क्या करोगे बेंच वाइज की माप लोगे, तो अब बेंच वाइज की ऊंचाई होती है, ऊंचाई तो नहीं होती चौड़ाई जरूर होती है, क्या होती है चौड़ाई है ना, तो वाइज की जो आपके जो जबड़े होंगे ध्यान रखना, वायस के जो विशेष तौर पे जबड़े होंगे, जबड़ों के अंदर का जो चौड़ाई होगी उस चौड़ाई पे डिपेंड करेगा वो कितनी, मतलब जैसे मान लो चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई है तो चौड़ाई ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ी चीज़ को, चौड़ाई कम है तो कम चीज़ को, ठीक है, तो चौड़ाई के ऊपर आपका आंसर क्या आएगा, जबड़ों की चौड़ाई के ऊपर आएगा आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए, पढ़ लेना भैया, देखो इलाहाबाद ALP में आया हुआ क्वेश्चन है ना, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में मामला बिगड़ेगा अपना। क्या है प्रश्न, क्या है डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है चल एवं बिंदु के बीच दूरी से, दोनों टांगों के की कुल लंबाई से, दोनों बिंदुओं की अधिकतम दूरी से, उपयुक्त में से, क्या बोला गया डिवाइस है ना, डिवाइस का डिवाइडर तो नहीं है, डिवाइडर को का आकार व्यक्त किया जाता है दोनों डिवाइडर नहीं है डिवाइस दो सेकंड में देख तुम, क्या प्रश्न था आपका, प्रश्न बिल्कुल वैसे तो सिंपल है, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया शाबाश सर, 5 बजे वाली क्लास किस नाम से निकलेगी, तो ध्यान रखो 5 बजे वाली जो क्लास है वो आप ध्यान रखना वाईफाई स्टडी इंजीनियरिंग एग्जाम चैनल है, ये अलग चैनल है वाईफाई स्टडी का ही है, मैं ही पढ़ाऊँगा वहाँ पर, तो वो है इंजीनियरिंग एग्जाम चैनल, उस पर आप आइए 5 बजे की क्लास में, बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़ाई होती है, मज़ा आ जाता है, एक बात है ना खुश हो जाती है आत्मा भी खुश हो जाती है, हाँ यार मतलब आप लोग आओ वहाँ मज़ा आएगा आपको है ना। क्या बोला डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है, भाई तो इसमें आप है ना डिवाइस के अनुसार दे दो जवाब, कोई दिक्कत नहीं है,
ए ऑप्शन आपका इसका आंसर रहेगा, चल एवं बिंदु पॉइंट के बीच दूरी से, चल एवं बिंदु पॉइंट के बीच की दूरी से, है ना, जो उसका पॉइंट जो चलता है ना, लीवर जो चलता है उसके पॉइंट, चूल और बिंदु, चूल क्या होता है देखो, सबसे छोटा पार्ट होता है चूल, है ना, किसी भी चीज़ को मापने की सबसे छोटी इकाई है, किस में, FPS प्रणाली में, है ना, चूल होता है, सूत, सूत नाम सुना होगा आपने, सूत भी नहीं सुना होगा, सूत भी होता है चूल, सूत से भी छोटा होता है चूल, है ना, चूल से भी छोटा होता है अंश, है ना, बाकी मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अब इसका प्रचलन खत्म समाप्त हो चुका है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः हेक्सा का उपयोग किया जाता है, हेक्सा, हेक्सा जानते ना, काटने वाला आरी, है ना, सामान्यतः है ब्लेड का प्रयोग, सामान्यतः ब्लेड ब्लॉक, अरे यार, सामान्यतः ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है चिपिंग करते समय जॉब को सारा देने, ब्लॉक्स, ब्लॉक, कोई ब्लॉक ले जाकर लगा दिया ना, तो किस लिए यूज में लिया जाता है, चिपिंग करते समय जॉब को हटाने, जो चिपिंग करते समय जॉब को सहारा देने में, हैक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने, उपयुक्त मतलब ड्रिल के समय जॉब को सहारा दे, उपयुक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा, देखो ब्लॉक जहां पर भी लगाया जाएगा वो सहारा प्रदान कर, दो चीज़ें हैं हमारे पास टेक्निकल में ध्यान रखना, सहारा प्रदान करने वाली, सहारा प्रदान करने वाली वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं तो ध्यान रखना, एक तो बेयरिंग है, घूमती हुई शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का काम बेयरिंग कर, ऐसी ब्लॉक है, ऐसी वी वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक भी होता है वैसे, है ना, तो समांतर ब्लॉक बोला गया है ना, समानांतर ब्लॉक बोला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ब्लॉक, वी ब्लॉक कह दो, समांतर ब्लॉक कह दो, ये सब जो होते हैं सहारा प्रदान करने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सहारा प्रदान करने के लिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इससे अच्छा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगले प्रश्न पे, किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टेप को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि ए धातु के चिपिंग चिप्स टूट जाते हैं, चूड़ियां काटते समय विश्राम किया जाए, सही चूड़ियां काटी जा सके, टेप को केवल दक्षिणावर्त में ही घुमाया जाना चाहिए, ये बात गलत है, देखो भाई टेप को हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाया जाए, ये वाली बात क्या है, गलत है यार, है ना, तो क्या धातु की चिप्स टूट जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि धातु की चिप टूटेगी तभी तो बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तभी तो अंदर घर्षण का मान काम होगा, घर्षण का मान काम होगा तो आसानी से अपना चूड़ियाँ कटेंगी, तो पहला पॉइंट तो आपका मेरे को समझ में बहुत सही लग रहा है। चलिए आगे वाले पॉइंट देखें, चूड़ी काटते समय विश्राम, विश्राम की कोई जरूरत नहीं है भैया, विश्राम तो हम कर लेंगे चूड़ियाँ काटने के बाद इकट्ठा एक साथ, सही चूड़ी काटने के लिए ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, सही चूड़ियाँ तो वैसे ही कटेंगे क्योंकि आपने क्या कर रखा है उसके अंदर पहले से ही आपने सही नाप से उसको क्या कर रखा है, तो चूड़ियाँ हम चूड़ियों में गलत दिशा नहीं होती, पहले से जो होल होता है ना उसमें ही चूड़ियाँ कटती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, पहले नंबर आपका आंसर सही जाएगा, जो चिपिंग होती है ना अंदर की, वो चिपिंग को तोड़ने के लिए। अगले प्रश्न पे आ जाओ, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हम हथौड़े का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, प्रश्न आ चुका था ऑलरेडी और इसका जवाब आपको खुद को देना है ना आज इस, और हाँ ध्यान रखना आपको प्रत्येक जो पे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सबका PDF पिन किया हुआ मिलेगा डेली, डेली का डेली, है ना, और आने वाले समय में तो बहुत सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, बहुत मतलब एक दिन में कम से कम 100-100 क्वेश्चन लगभग खींचने मेरे को, है ना, कोशिश करेंगे, बाकी देखो क्या कितना क्या बैठता है ना। हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, तो फेस के आधार पर, आकार एवं तौल के आधार पर, पिन के आधार, आकार एवं तौल के आधार पर, आई के आकार के आधार पर, हैंडल की लंबाई के आधार पर, बताइए क्या आंसर। हथौड़े का वर्गीकरण निम्न के आधार पर किया जाता है, फेस के आधार पर, फेस के आकार के तौल के आधार पर, पिन के आकार के तौल के आधार पर, आई के आकार, आई जानते हो, आई नहीं जानते होंगे आप लोग ने, आई क्या होता है जिसमें हथौड़े का हैंडल फंसाया जाता है ना, हथौड़े का हैंडल जहाँ पड़ा होता है वहाँ लगाया होता है, वहाँ वो होता है आई, ठीक है, तो आई के आकार पर या हैंडल लंबाई के आधार पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखा रखना है ऐसा उसका जो फेस है ना उसके आकार और उसके तौल के आधार पर, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके के प्रश्न मैं आपको डेली लगाऊंगा लेकर के आऊँगा, है ना,
हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो ध्यान रखना, दो हेक्सा के अंदर हमेशा और हमेशा उसको कसा जाता है विंग नट से, है ना। विंग नट से कसने के लिए आपका हमेशा और हमेशा उसके अंदर दो टिप लगे रहते हैं। टिप लगे होने के बाद में उन टिप के केंद्र में क्या होता है, सिरों पर दो टिप होते हैं, उन टिप में प्लेट को लगाया जाता है। उसके सिरों के केंद्र से केंद्र, मतलब दूसरा वाला जो केंद्र होता है, उसके बीच की दूरी से नापा जाता है कि इसको हेक्सा ब्लेड की लंबाई को, एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी को, दोनों पिनों के होल के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, है ना, केंद्र के बीच की दूरी दोनों पर। तो बात एक ही है, केंद्र से, मैंने अभी आपको बता दिया ना, प्रश्न का जवाब वही है ना, ये तो कर लिया था अपने। क्या आंसर आएगा, दोनों पिन के केंद्र से केंद्र के केंद्र के बीच की दूरी, है ना। अगला प्रश्न, फाइल की लंबाई जो है वो मापी जाती है, फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट से टैंग से, पॉइंट से शोल्डर, पॉइंट से हील, पॉइंट से टैंग, बताइए क्या आंसर आएगा। फाइल जो होती है, फाइल जानते हो, नहीं जानते। फाइल क्या होता है, ऊपरी सतह से धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटने का काम करती है। तो पॉइंट से टैंग तक, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हील, पॉइंट से जो हील होता है, अब हील के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगी, ठीक है। ये हैंडल है, ये टैंग है, इसे ये भी अंदर की साइड जो ये टैंग है, ठीक है। ये शोल्डर है, क्लियर है। और ये आपका टिप है ना, ये आपका यहाँ गया, ठीक है, ये आपका यहाँ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपके कटिंग रहती है, ठीक है, ये आपकी कटिंग रहेगी। तो ये वाला जो भाग होता है वो हील होता है, क्या होता है भाई, हील होता है। और ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग होता है पॉइंट। तो पॉइंट से हील के बीच की दूरी, आपका ये वाला आंसर आता है सी ऑप्शन। हील मतलब ये खाली जो जगह है ना, खाली जगह, इसे हील कहते हैं, है ना, हील तक के पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका आंसर क्या आया था, किस किस बच्चे ने जवाब दिया, सी आंसर दिया है काफ़ी सारे बच्चों ने, और काफ़ी सारे बच्चे एक्टिव हो गए हैं, है ना, और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। और मैं भी ये चाहता हूँ इस बार हम रिजल्ट बहुत अच्छे दें, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, चीजल के निर्माण के लिए प्रयुक्त, चीजल यानी होता छेनी, और छेनी चोट, देखो चोट, धक्का, झटका, कंपन, दाब, घर्षण, है ना, उच्च भार, है ना, आदि, इन सभी के लिए जिस चीज़ का अपन उपयोग करते हैं, जिस चीज़ का हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, जिस जो चीज़ इन सबको बनाने के काम आती है, वो होती है हाई कार्बन स्टील। चोट, झटका, धक्का, कंपन, है ना, घर्षण, उच्च भार, है ना, ये सब चीज़ें, ये जहाँ पर भी होंगे, जैसे रेलवे ट्रैक, चोट भी है, धक्का भी है, झटका भी है, कंपन भी है, भार भी है, उच्च भार भी है, तो आपका क्या आएगा, हाई कार्बन स्टील आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, हाई कार्बन स्टील आएगा। और पंच के अलावा आपका चीजल है, हथौड़े का, हथौड़े का प्रयोग जिन जिन औजारों पर किया जाता है, वे सभी जो औजार हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। आप बोलो कितना बढ़िया रहा आपके लिए भाई, हाई कार्बन स्टील के वो सभी औजार बनाए जाएंगे जो आपके हथौड़े का जिनके ऊपर प्रयोग होता हो। तो आपका आंसर सीधा सीधा है हाई कार्बन स्टील, आंसर लगा दो हर कदम ना, पंच बोल दे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, यहीं पे हाई कार्बन स्टील लगा देना। ड्रिल, आपका हथौड़ा बोल दिया, हथौड़ा भी बोल दे तो भी आपका क्या आएगा, हाई कार्बन स्टील आ जाएगा, ठीक है, है ना। चीजल बोल ही दिया है आपका, है ना, इसके बाद हेक्सा, सॉरी आपका फाइल बोल दे, है ना, एसेक्ट्रा, घर्षण आ जाए, जहाँ ताप आ जाए ना, तो ये सब चीज़, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, उपयोग के पश्चात रेती को, हेक्सा को, यानी क्या कर देना चाहिए, रेती तथा हेक्सा यानी जो टूल्स हैं उनको क्या कर देना, जल धोकर रख देना चाहिए भैया, या फिर ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगा कर रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए, बताओ इन चारों में से क्या प्रश्न आप जवाब दोगे। पानी से धोना चाहिए क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें जंग लगेगा। ब्रश से साफ करना चाहिए भाई, हेक्सा और छेनी को आप ब्रश से साफ ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ब्रश से इतना वो नहीं है। आप क्या करो, अगर जैसे आपको लंबे समय तक रखना है तो हल्की तेल की नमक परत आप लगा करके वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ब्रश से साफ करने का यहाँ पर इतना कोई नहीं है ना, और चीज़ों में तो आप ब्रश से साफ कर सकते हो, लेकिन आपको
यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना। तो आप सीधे सीधे क्या है, तेल, थोड़ा सा तेल लगा दो, वो ज़्यादा सही रहेगा ना। तेल से है ना, बारिश के दिनों में कहीं रख रहे हो तो भी तेल थोड़ा सा हल्का हल्का तेल, हल्का है ना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लगाओगे तो फ्रिक्शन का मान कम हो जाए, औजार काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे थे, ठीक है। तो आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न है, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। बरसात के दिनों में उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, नहीं, उन्हें इनेमल का पेंट या लेप कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन पर मेबी ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। तो आपके आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, उन पर मेबी ऑयल वगैरह का महीन क्या कर दो आप, लेप कर दो, ताकि आप लंबे समय तक रख सको, ठीक है, लंबे समय तक। और अगर है ना, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर शॉ ब्लेड, ठीक है, ध्यान रखना, हेक्सा ब्लेड और कारपेंटर शॉ जो होता है ना, वो पीछे की साइड खींचते हो तो वर्क करता है, और हेक्सा जब आगे की साइड लगाते हो, दबाते हो, तो वो वर्क करना चाहिए। कारण पीछे की साइड क्यों, क्योंकि वो उसमें पत्ती होती है और कुछ नहीं होता, फ्रेम नहीं होता है, तो उसको पीछे की साइड खींचोगे तो लकड़ी कटेगी आराम से। और हेक्सा के अंदर उसमें फ्रेम होता है, फ्रेम के बाद में ब्लेड लगा रहता है। अगर आप आगे की साइड ले जाओगे तो भी फर्क, बल उतना ही लगेगा, अगर आप पीछे लाओगे तो भी बल उतना ही लगेगा, लेकिन अगर आप आगे की साइड ले जाओगे तो धातु की जो कर्तन है, जो आपका मटेरियल जो है, जो उसकी एमरी है, वो कहाँ जाएगी, दूसरी साइड जाएगी, इस तरफ नहीं आएगी। इस तरफ आएगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपके ऊपर गिरेगी, तो आप दूसरी तरफ फेंकना पसंद करो, इसलिए उसमें आगे की ओर रहता है, और इसमें पीछे की साइड रहता है। हेक्सा ब्लेड में कारपेंटर टीथ की सेटिंग करने का मुख्य, सेटिंग करने का क्या मुद्दे, देखो क्या होता है, टीथ अगर एक लाइन में रहे, मैं मान लो ये, मान लो एक है, जैसे मान लो ये टीथ है, ये टीथ सामने से दिखा रहा हूँ मैं, सामने से सारे सारे टीथ क्या है, सामने, अगर ये किसी चीज़ को काटेंगे, किसी भी चीज़ को काटेंगे, तो पता है ये क्या हो जाएगा, साइड से कम जगह छोड़ेंगे और घर्षण का मान यहाँ ज़्यादा रहेगा। अगर मान लो टीथ कैसे हों, आपके टीथ कैसे हों, चार टीथ तो इधर की तरफ हो, चार पांच टीथ इधर हो, चार पांच इधर हो, चार पांच इधर हो, तो पता है क्या होगा, ये टीथ की सेटिंग हो जाती है। अब देखो, सुनो मेरी बात, अब अगर ये किसी चीज़ को काटेंगे तो ये इतना गैप बना के चलेंगे, इसका गैप ज़्यादा, उसका गैप कम है, देखो इसका गैप क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, वाइल्ड है, उसका कम है ना, उसमें घर्षण ज़्यादा है, इसमें घर्षण कम है, तो ध्यान रखना। ब्लेड की सुंदरता बढ़ाने की कटिंग का समय घर्षण को कम करने के लिए, अधिक गहराई वाली कटिंग को सरलता से सरल बनाने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है, कटिंग के समय घर्षण को क्या करने के लिए, आपका कम करने के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पार्क प्लग का गैप, ध्यान रखना, तीन चार शब्द हैं इनको ध्यान रखना, गैप, ये आपको लोको पायलट में भी काम आएंगे, ध्यान रखना, इसमें मत सोचना कि भाई नहीं आएंगे। गैप है, क्लीयरेंस है, और छूट है, छूट है ना, गैप आ जाए, क्लीयरेंस आ जाए, छूट आ जाए ना, दो प्लेटों की बीच दूरी आ जाए, बीच दूरी, बीच, छोटी दूरी, छोटी दूरी, ये तीनों चारों शब्द में से कोई भी एक शब्द आपके प्रश्न में अगर आ जाता है तो इसका जवाब फिलर गेज हो जाता है, इसका जवाब क्या हो जाता है, फिलर गेज हो जाता है, तो आपको ए ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये प्रश्न है स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग कहाँ होता है, आपकी गाड़ियों के अंदर होता है, उस प्लग को जब भी निकालोगे उसमें नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बीच में गैप होगा, तो उस गैप को किससे नापते हैं, हमेशा फिलर गेज से नापते हैं, ठीक है, फिलअप करने वाली जगहों पर फिलर गेज, यानी बिल्कुल बारीक जो जगह होती है फिलर गेज। छोटे आकार की केबल, प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है, छोटे आकार, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए किस टूल को, भाई साहब कोई टर्मिनल है जिसमें सप्लाई आ रही है, आपके वो तार और केबल वहीं मौजूद है, अब आप वहीं काटना भी है तो आपको किसका यूज़ करो, संयुक्त प्लायर का, तिरछा कट प्लायर का, कैंची का, है ना, या इलेक्ट्रिशियन चाकू का, या संयुक्त प्लायर का, कॉम्बिनेशन प्लायर का, बताइए क्या आएगा आपका आंसर। हाँ, अगर आप क्या कर रहे हो कि एक किसी चीज़ को क्या है, ऐसी जगह पे जहाँ पर आपका कोई ऐसी चीज़ मतलब टर्मिनल वहाँ मौजूद है, तो टर्मिनल जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, देखो क्या होता है, एक प्लायर होता है, वो खुलता बंद होता है तो वैसे ही है, लेकिन उसका जो है ना जबड़ा जो होता है ना आगे की साइड, तो जबड़े की तरफ इस तरीके का ये
पॉइंट रहते हैं ना, और बाकी प्लायर का जो शेप रहता है ना, वो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही आपका वो रहेगा। इसमें से दो आपके हैंडल, अब मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊँगा आपके लिए, है ना, कि आप लोग समझते हो मैं टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ ना कि ड्राइंग, ठीक है। ये देखो, ये जब आप इसको दबाओगे ना, खोलोगे बंद करोगे तो इसकी साइड, इसके जो आगे की साइड जो होगा, टिप जो होगा, ये खुलेगा और बंद होगा। ये देखो इस तरीके का, है ना, इस तरीके का, ये इस तरीके का होता है। तो इस तरीके का आप दबाओगे ना, खोलोगे बंद करोगे, तो आगे की साइड से इस तरीके से खुलेगा, ये बंद होगा। तो इस तरीके से तिरछा कट प्लायर आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन है, करेक्ट रहेगा। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल टर्मिनल के पास है तो खट से पकड़ के बाहर निकाल ले, बात कर, 2 सेकंड का खेल है, हो जाएगा 2 सेकंड में। और अब भाई बच्चा लोग समझ में आ रहा है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, सर्किट के शंकु आकार शेक वर्मा में, वर्मा मतलब ड्रिल, अगर मान लो कोई है सॉकेट में शंकु आकार का शेक वर्मा निकालने के लिए कौन सा औजार, मतलब कोई टूटा हुआ ड्रिल है उसको बाहर से निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होता है ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। अब आपने ड्रिफ्ट देखी नहीं होगी, है ना, पतली जो रबड़ की जो चद्दर वद्दर होती ना, सॉरी रबड़ वगैरह होती है, पतली चद्दर वगैरह जो होती है, उसमें ड्रिफ्ट का उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट होती कैसी है, इसके अंदर ये ऐसी होती है ड्रिफ्ट, है लंबी लंबी होती है, उसको आराम से टक 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 करके धीरे धीरे निकाला जाता है। तो आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो प्रश्न आपको मुझे लगता है कि गुनिया जानते हो, नहीं जानते होंगे, ये भाई साहब गुनिया बन गई, है ना, और अगर भी अच्छी चाहिए गुनिया तो ध्यान से रखो, ये गुनिया बन गई ना। तो कार्यखंडों के पृष्ठों की समानांतरता की जांच करने के लिए रेतित इस पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के, पृष्ठ की समतलता की जांच करने, कार्यखंड को सिरों की 90 डिग्री रेखाएं अंकित करने के लिए, तो आंकन तो नहीं कहेंगे अपन इसमें, मेन तो क्या है, पृष्ठ की सपाटता, किसी भी रेतित पृष्ठ की वर्गता, जो वर्गता है वो आप इससे जाँच कर सकते हो ना, बाकी समानांतरता जांच होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे दिए होते जिससे हम उपयुक्त सभी पे जाते तो आपका आंसर मैं जरूर ले जा सकता था ना। कार्यखंड के 90 डिग्री रेखाएं अंकित करने के लिए, भाई कर तो सकते हैं, करने के लिए मना नहीं करेगा, है ना, करने में तो मना तो करेगा ही नहीं भाई, करने में तो हम 90 डिग्री की रेखाएँ भी क्या कर देंगे आपके, अंकित कर देंगे, लेकिन मैन तो आपका यहाँ पर क्या है, वर्गता की जाँच कर सकते हो आप, है ना, किसी भी चीज़ की वर्गता की जांच कर सकते हैं, रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच, स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर वर्ग के तीनों सिरे कितने, चारों सिरे कितने डिग्री को, तो 90 डिग्री की जांच होगी। कहीं कहीं क्वेश्चन के आंसर जवाब आपके गलत भी दे रखे हैं, तो उसको चीजों को ध्यान रखना, तो आप इन चीजों को समझो, टेक्निकली पॉइंट को ध्यान रखना, किसी धातु पर दूसरी धातु की निरपेक्ष की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, मतलब किसी धातु पर दूसरी धातु की निरपेक्षण यानी चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना, दो से कि निरपेक्षण बोला गया है, निरपेक्षण वर्ड थोड़ा सा अलग ही है, हटाना या किसी धातु से पर दूसरी धातु की प्रक्रिया, मतलब चढ़ाना, है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसी भी धातु पर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना, चढ़ाने की प्रक्रिया किसे कहा जाता है, तो धातु पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया, बिल्कुल शाबाश, आपका आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे प्रश्न पर इसका आंसर है आपका विद्युत लेपन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत लेपन आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत लेपन ही किया जाता है, क्लियर है, इसे किसी धातु पर, दूसरी धातु पर। किसी लैंप होल्डर को जमीन से, लैंप होल्डर का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, आपके घरों में लट्टू लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, कोई एलईडी बल्ब लगाया जाता है, तो उसमें यूं करके फंसा करके यूं घुमा देते हैं हल्का सा बल्ब, वो है ना, तो उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तो आपके घरों में जो आपका बोर्ड बोर्ड लगाते हो ना, जिस पर आप अपना स्विच सॉकेट वगैरह लगाते हो, पंखा वंखा चालू करते हो, चटकनी लगाते हो, बटन लगाते हो ना, जो भी आप कह रहे हो स्विच लगाते हैं, टेक्निकल वर्ड तो स्विच है, लेकिन मैं उन वर्डों का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो वो आप 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हो, पंखा आप जनरली 2.5 मीटर की ऊंचाई पर आप पंखा लगा देते हैं, ठीक है, हमेशा और हमेशा आप 2.5 मीटर, 2.5 मीटर लगभग आपका पंखा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपसे पूछा गया लैंप होल्डर को आप कितनी दूराई पर लगाओ, ठीक है, तो लगभग आप पंखे से नीचे लगाते हो लैंप होल्डर को, कम पंखे से कहाँ लगाते हो, नीचे लगाते हो, तो लैंप होल्डर को आप हमेशा और हमेशा कहाँ लगाओगे, 2 मीटर ऊंचाई पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर है। क्या ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आएगा? 2 मीटर बल्ब जो लगाया जाएगा वो होल्डर है ना। अगला, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ आप लोग नहीं जानते होंगे, देखो एक तार यूं ऊपर की साइड यूं करके ऐसा ले लिया जाएगा, एक तार यूं इसको यूं करके यूं ऐसे ले लिया जाएगा, ठीक है, और इसके बीच में आपका ये होता है ब्रिटानिया जोड़। तो ब्रिटानिया जो जोड़ होता है आप लोग नहीं जानते होंगे, ब्रिटानिया जोड़ मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा दिया है। तो ब्रिटानिया जोड़ का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? ब्रिटानिया जोड़ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ब्रिटानिया जोड़ का इस्तेमाल वातावरण परिवर्तन के कारण और कंपन के कारण, कंपन जहां पर होते हैं वहां पर जोड़ को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, समझ रहे हो, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं बैठेगा। तो आज की बात हमारी यहीं पर ही थोड़ी सी क्या होती है, समाप्त होती है। और आपका जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो 5000 क्वेश्चन चल रहे हैं, और उन 5000 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास रेगुलर अब आपकी चल रही है इस समय पर, और सारे के सारे क्वेश्चन में एक एक करके एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा ना। जिसने अभी तक मुझे कहीं, जिन बच्चों ने मुझे अभी तक अन अकेडमी फॉलो नहीं किया है, वो प्लीज़ एक बार क्या कर लें, फॉलो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तो शेयर कर देंगे क्लास को, है ना, और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उपस्थिति को बढ़ाइए, संख्याओं को बढ़ाइए, और मैं आपका मतलब अन अकेडमी पर मैं ऐसी क्विज लेकर के, मतलब क्विज 15 सेकंड में क्वेश्चन के जवाब है ना, इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ करवाते हैं, यहाँ पर भी कराएं। 5000 क्वेश्चन का मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करा के परीक्षा में भेज दूंगा, परीक्षा में कन्फर्म है आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने 5000 क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ में पढ़ा है ना। आप जुड़े रहो, केवल बने रहो, सुनते रहो चीज़ों को, और अपने आप दिमाग से चलते रहो। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी नए क्वेश्चनों के साथ में। शाम को 5 बजे भी क्लास है मेरी, 5 बजे क्लास में भी आप उपस्थित हो। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी नए क्वेश्चन। ओके, गुड बाय, थैंक यू।